जब बात खाने पीने की आती है तब हर किसी को सिर्फ स्वाद दिखता है, लेकिन इस स्वाद के लिए व्यंजनों में कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि बिना मसालों के खाने में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खाने की बात क्यों कर रही हूँ, तो अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम आज आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर लोग खाने में मसालों की जगह मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहे और जाने इस जगह के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर लोग खाने में मसालों से स्वाद न बढ़ाकर उसकी जगह मिट्टी का उपयोग करके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईरान के होर्मुज आइलैंड की। आपको बता दें कि इस आइलैंड की मिट्टी इतनी स्वादिष्ट है कि लोग उसे खाने में उपयोग करते हैं। ये आइलैंड खूबसूरत पहाड़ों की वजह से ही लोगों के लिए बेहद खास है, लेकिन आपको बता दें कि इन पहाड़ों की सबसे खास बात ये है कि इनकी मिट्टी रंग बिरंगी होती है, जिसके कारण इस आइलैंड को रेनबो आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ईरान के इस आइलैंड के रंग बिरंगे पहाड़ों की खूबसूरत सी तस्वीरें कितनी ही बार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद एक बार के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार मिट्टी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। हो सकता है आपको सुनकर अजीब लगे कि ईरान के इन खूबसूरत पहाड़ों की मिट्टी को लोग मसाले की तरह खाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसीलिए लोग मिट्टी को खाने में मसाले की तरह उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी इन पहाड़ों की मिट्टी का स्वाद लेना नहीं भूलते हैं। हालांकि शुरू शुरू में तो मिट्टी को खाने से सब कतराते हैं, लेकिन जब उनका गाइड उन्हें मिट्टी खाने के लिए सलाह देता है तो वह शौक से इसे खाते हैं और दंग रह जाते हैं। जानकारी के लिए बता दे कि यह खूबसूरत आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित है और यहाँ की मिट्टी में भरपूर मात्रा में खनिज पाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में आयरन और लगभग 70 तरह के खनिज पाए जाते हैं। बात इतनी सी नहीं है, कहा जाता है कि यहाँ के पहाड़ों पर नमक के टीले भी मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर शैल, मिट्टी और आयरन की परतें जमी हुई है, जिसके कारण पहाड़ रंग बिरंगे नजर आते हैं। ब्रिटेन के जियोलॉजिकल रिसर्च की चीफ भूवैज्ञानिक डॉक्टर कैथरीन गुड इनफ के मुताबिक करोड़ों साल पहले फारस की खाड़ी में स्थित उथले सागरों में नमक की मोटी परत जम गई थी। इसके बाद इसके ऊपर नई परतें जमा होती गई, जिससे इस आइलैंड की मिट्टी खूबसूरत हो गई। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।